रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसके बारे में देखते हैं। एक जनरल वीडियो हम देख चुके हैं कि एल्गी में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में भी लगभग वैसा ही रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी होती हैं, ठीक है। और ग्रीन एल्गी सबसे बड़ा ग्रुप है एल्गी के अंतर्गत, तो लगभग ये टिपिकल जो एल्गी के लिए हमने रिप्रोडक्शन देखा है वैसे ही इसमें भी होगा। तो सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें सेल डिवीजन के माध्यम से संख्या में वृद्धि होती है। तो ऐसे एल्गी जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, एग्जांपल प्लूरोकोकस, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। तो इनमें कैसे डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है और उनकी संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि ये एक कोशिका के बने हुए हैं। तो जब उनमें सेल में डिवीजन होगा तो वो उनकी संख्या में ही वृद्धि होगी, अर्थात ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका माना जाएगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये स्ट्रेटजी है। तो किसमें पाया जाता है, प्लूरोकोकस, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और भी बहुत सारे ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं ना, जो कि हरे रंग का पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी जो थैलस हैं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। फिलामेंटस थैलस वाले एल्गीस में आएंगे ना, फिलामेंटस थैलस जो हैं उनका जो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे और वो ग्रो करके एक नया थैलस बना लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, किसके, एल्गी के। तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का तरीका है, इनमें पाया जाता है। एकाइनिड्स, एकाइनिड्स ये वेजिटेटिव स्पेशली सेल होती हैं जो कि हार्ड या थिक वॉल्ड रेजिस्टेंस सेल होती हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होता है काफ़ी मोटा होता है और रेजिस्टेंट सेल हैं, मतलब ये पानी की कमी में भी अपने आप को जीवित बचा के रख सकते हैं और भी जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसमें नॉर्मली सेल्स नष्ट हो जाते हैं तो उसमें भी ये जीवित अपने आप को बना के रख सकते हैं। जैसे एक देख रहे हैं आप एकाइनिड्स, है ना, ये हार्ड सेल वॉल हो गया है यानी मोटा सेल वॉल हो गया है थिक, तो इसको बोलते हैं एकाइनिड्स। ये पिथोफोरा नामक ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पिथोफोरा में एकाइनिड्स के माध्यम से भी रिप्रोडक्शन होता है। बाद में यही सेल्स क्या होगा, जब अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, फेवरेबल कंडीशन होंगे, तो ये जर्मिनेट करता है और नया थैलस बना लेता है, ठीक है, नया फिलामेंट बना लेगा, ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन होंगे और आगे नया फिलामेंट बन जाएगा, ठीक। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब आगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स बनते हैं, सामान्यतः आपने देखा होगा एसेक्सुअल मतलब जिसमें स्पोर जैसी संरचना बने। तो जू स्पोर क्या है, जिसमें फ्लैजिला होते हैं, क्या होता है ये, जिसमें फ्लैजिला हैं, जैसे ये यूलोथ्रिक्स में आप देखेंगे चार फ्लैजिला वाले जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। कितने वाले बनते हैं, चार फ्लैजिला वाले जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये कोशिका है, इसमें कोशिका डिवाइड हुई अंदर ही अंदर कई बार और बहुत छोटे छोटे वो कोशिकाएं बनी, बाद में उसमें फ्लैजिला भी डेवलप हो गया और इस तरीके से क्या, चार फ्लैजिला वाले जू स्पोर बन गया। तो यूलोथ्रिक्स में चार फ्लैजिला वाला क्वाड्री फ्लैजिलेट जू स्पोर बनता है। आगे इसी को देखते हैं, देखिए यहाँ पे जू स्पोर दो फ्लैजिला वाले भी होते हैं, दो फ्लैजिला वाले जू स्पोर बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर कहलाते हैं। बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर अर्थात दो फ्लैजिला वाले जू स्पोर, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर यानी चार फ्लैजिला वाले जू स्पोर, ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है ना, बाई फ्लैजिलेटेड वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है। और मल्टी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर जो हैं यानी इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाएंगे, ये उडोगोनियम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी हम नॉर्मली देख चुके हैं पहले, ओडोगोनियम में एक रिंग पाया जाता है छोटे छोटे फ्लैजिला का, ठीक है। तो ये तीन तरीके के जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं, ये ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलते हैं ना, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के ही ये मेंबर हैं, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स।
ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड दो वाले, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड यानी चार फ्लैजिला और एक रिंग ऑफ फ्लैजिला इन मल्टी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। मल्टी फ्लैजिलेटेड अर्थात बहुत सारे जू फ्लैजिला। ठीक है, एप्लेनो स्पोर के बारे में देखते हैं, तो एप्लेनो स्पोर भी कुछ स्पीशीज में बनता है। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कैसे स्पोर होते हैं? नॉन मोटाइल मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एप्लेनो स्पोर। ठीक है, जैसे माइक्रोस्पोरा एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। ठीक, तो उसके अंदर की कोई कोशिका ही, एक पूरी की पूरी कोशिका ही एक स्पोर जैसा संरचना बनाती है। ठीक, ये जहाँ यहाँ से निकल गया देखिए, और बाद में ये जब फेवरेबल कंडीशन होंगी, अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, तो ये अंकुरित करके नया थैलस बना लेते हैं। ठीक है, नया फिलामेंट बना लेंगे। तो एप्लेनो स्पोर से माइक्रोस्पोरा नामक ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और भी एल्गी में मिलता है। तो एप्लेनो स्पोर को कई बार कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे ऑटो स्पोर कभी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब ये आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल, जो दूसरी सेल्स हैं आसपास की उसी के जैसा देखने में रह होता है। ठीक है, जिस कोशिका से बना है, जैसे यहाँ पर ये बन रहा है, उसके बगल वाली कोशिका भी वैसे ही दिखे देखने में, तो इसको ऑटो स्पोर कहा जाता है। हिपनो स्पोर भी बोलते हैं, जब ये थिक वॉल्ड हो जाती हैं, यानी मोटी सेल वॉल वाली या मोटी भित्ती वाली संरचना बन जाती है, तो इसको थिक वॉल्ड एप्लेनो स्पोर यानी हिपनो स्पोर कहते हैं। ठीक है, एप्लेनो स्पोर के और भी वैरायटी देखने को मिलती हैं, परंतु ग्रीन एल्गी में नहीं, जाए रेड एल्गी में ज़्यादातर देखने को मिलता है ना। रेड एल्गी में मोनो स्पोर, टेट्रा स्पोर, क्या क्या और भी स्पोर नाम देते हैं, तो सब ये बेसिकली एप्लेनो स्पोर ही होते हैं, यानी नॉन मोटाइल स्पोर। एप्लेनो स्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर, यानी जिसमें फ्लैजिला नहीं है, और जू स्पोर मतलब जिसमें फ्लैजिला हैं। ठीक है, तो कितने फ्लैजिला हैं उसके आधार पे भी हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। एप्लेनो स्पोर में माइक्रोस्पोरा है, और जू स्पोर में वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, सुडोगोनियम। ठीक है, तीसरा देखते हैं आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन टाइप का हमने देखा था, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन, एन आइसोगेमस और उगेमस। तो आइसोगेमस को देखते हैं पहले, इसमें दोनों गैमेट्स एक ही साइज के होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोगेमेट्स। देखिए ये दोनों गैमेट्स कैसे हैं? सेम साइज के हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमिट्स बोलते हैं। कौन मेल है कौन फीमेल ऐसा हम नहीं कह सकते कई बार, तो ये आपस में देखिए कैसे फ्यूज कर रहे हैं, दोनों का ऊपरी हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है और एक जायगोट जैसी संरचना बन रही है ना। ठीक है, आपस में फ्यूज हो रहे हैं, फिर ये जायगोट जैसी संरचना बनी। ठीक है, और फिर ये जायगोट बाद में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है इसके अंदर, क्या मियोसिस डिवीजन होता है, और चार स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, और ये स्पोर बाद में जर्मिनेट होकर नया थैलस बनाते हैं। तो इस तरीके से जायगोट ही इसमें क्या होता है? 2N होता है, और इसको हम आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइसोगैमस के इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों गैमेट्स एक समान हैं, आइसो यानी एक समान साइज के होते हैं दोनों गैमेट्स एक ही साइज के होते हैं। एन आइसोगैमस ये मिलता है क्लेमाइडोमोनास में ना, आइसोगेमस वाला। एन आइसोगेमस आगे देखते हैं, ये एंटेरोमॉर्फा में मिलता है। एंटेरोमॉर्फा ग्रीन एल्गी है क्या? इसको कंफर्म करना पड़ेगा ना। तो एन आइसोगेमस ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक जो गैमिट है बड़े साइज का होता है, ठीक है, और एक छोटे साइज का होता है, तो दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जायगोट बनाते हैं, बाद में वैसे ही स्पोर बनेंगे और नया प्लांट जर्मिनेट होके बनाएगा ना। तो बाकी प्रोसेस वैसे ही है, बस इसमें अंतर है कि ये असमान आकार के गैमेट बनते हैं। एक गैमेट थोड़ा बड़ा होता है और एक गैमेट छोटा होता है, परंतु दोनों में फ्लैजिला होते हैं और दोनों मोटाइल होते हैं। ठीक है, ऊगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, तो इसमें क्या होता है कि एक गैमेट बहुत बड़ा होता है, ये देखिए बहुत बड़ा गैमेट, और ये मूव भी नहीं कर सकता, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, तो इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट या उगोनियम। उगोनियम संरचना होती है ना, तो ये
किस फिलामेंट से जुड़ा ही रहता है, और दूसरे फिलामेंट में कहीं एंथेरिडियम बनते हैं। ये छोटे छोटे जो हैं ये मेल गैमिट हैं, जिसको हम नाम देते हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या होगा? मेल गैमिट, और उगोनियम फीमेल गैमिट। तो एंथेरिडियम में फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये उडोगोनियम में हम देख रहे हैं, उडोगोनियम नामक एक शैवाल में देख रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं एंथेरिडियम में भी। अब वो यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करेंगे और ये क्या बना जाएगा? जायगोट बन जाएगा, या ओस्पोर, जायगोट बन जाएगा। और बाद में फिर ये जर्मिनेट करके चार सेल्स में डिवाइड होंगे, ठीक है, डिवीजन होगा, और वो चारों सेल्स फिर जाइगो स्पोर या ऊ स्पोर बना लेते हैं। ऊ स्पोर पहले बनता है, सॉरी, और जाइगो स्पोर बनता है, फिर वो जर्मिनेट करके नया प्लांट तैयार करते हैं। तो ऊ गैमेट्स रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट के साइज में बहुत ज़्यादा अंतर है, और फीमेल गैमेट तो मूव भी नहीं कर सकता, मतलब उसमें फ्लैजिला भी नहीं पाया जाता है, वो अटैच्ड होता है हमेशा फिलामेंट के साथ में, ना जुड़ा होता है, उसको उगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम कहीं और बनता है दूसरे फिलामेंट में, और वहाँ से मूव करता है, तैरते हुए आता है पानी में उगोनियम तक, और वहाँ पे फर्टिलाइज होता है, जायगोट बनता है, और फिर जर्मिनेशन होगा और जो स्पोर बनेंगे उससे नया पौधा तैयार होगा, ठीक है। तो ये वही तरीका है रिप्रोडक्शन का जैसा हम पहले देखे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और उगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखते हैं। एन आइसोगैमस में एंटेरोमॉर्फा, हाँ यही होता है, ये ग्रीन एल्गी ही है, सही एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। ये क्या है? एंटेरोमॉर्फा एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी है ना। उगैमस टाइप का जो मिलता है ये उडोगोनियम में मिलता है, ठीक है, और जो आइसोगैमस मिलता है ये क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, जनरली यूनिसेलुलर एल्गी में मिलता है ना, ठीक है। बाकी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के हमने देखे, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर, ठीक है, ये सीरियल नंबर यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा। और बाकी तीन टाइप के हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखे, सेल डिविजन, फ्रेगमेंटेशन और एकाइनिट्स। एकाइनिट्स भी स्पेशल सेल होती हैं, हार्ड या थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट सेल होते हैं ना। तो इतना ही देखते हैं इसमें।